ओके सो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और फिर से वन पीस के वीडियोस, सेकंड चैनल पे भी वीडियोस आना चालू हो जाएगा। अब हाँ देखो, मैंने जो है साइबर पंक एज रनर का अभी तक रिव्यू नहीं किया, थोड़ा माफ कर देना ब्रो, लेकिन क्या करें ना, अब दो तीन वीडियोस पेंडिंग पे हैं, काहे कि मुझे सेकंड चैनल पे ब्लीच के ऊपर भी वीडियो डालना है। तुम्हारा वीडियो भी बन रहा है, डाल देंगे यार, चिंता मत कर, थोड़ा रुक जाओ। और हाँ, आज हम लोग बात करेंगे वन पीस के मांगा चैप्टर 1067 के स्पॉयलर्स को लेके, बिकॉज जिस हिसाब से ये स्पॉयलर निकल के आए हैं हमें अंदाजा सा मिल चुका है, थोड़ा बहुत ही, लेकिन अंदाजा तो मिला है कि चैप्टर किस प्रकार का होने वाला है। और जो स्पॉइलर निकल के आए हैं वो बहुत ही कम स्पॉइलर निकल के आए हैं, जिस वजह से मुझे जहां तक लग रहा है ये थर्ड चैप्टर रेगुलर होने वाला है शायद वन पीस का, और इस हिसाब से ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इसके बाद ओडा फिर ब्रेक में जाएंगे एक हफ्ते के लिए, फिर उसके बाद जब रिटर्न करेंगे फिर से तीन चैप्टर डालेंगे। चलो बात कर लेते हैं ये स्पॉइलर कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर का टाइटल की, जो कि फिलहाल के टाइम पे देख के तो यही निकल के आ रहा है, वो लिखा गया पंक रिकॉर्ड। खैर, कवर पेज में हम लोग देख सकते हैं सीजर क्लाउन और जज को आपस में लड़ते हुए, और देखो ये दो ज्ञानी मानुष आपस में लड़ रहे हैं, जिस पर मुझे कुछ नहीं कहना। यार दिखाना है तो वो चीज दिखाओ ना जो हम देखना चाहते हैं। बिग मॉम पायरेट अभी क्या कर रही है पुडिंग के किडनैप होने के बाद, लेकिन वो तो नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद जो है पहला स्पॉइलर निकल के आता है, जो कि हमें वेगा पंक के बारे में बताया जाता है। डॉक्टर वेगा पंक जो था वो पैदा ही जीनियस हुआ था, प्लस वो एक डेविल फ्रूट यूजर भी है, ब्रेन ब्रेन फ्रूट का, जो कि उसे अलाउ करता है अनलिमिटेड स्टोरेज ऑफ नॉलेज। हाँ भाई, दिमाग नहीं है, डोरेमोन का पॉकेट है, दुनिया भर का चीज घुसा दो। और यही वो रीजन है जिस वजह से उसका जो सर है इतना बड़ा है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट बताया जाता है, टाइटल इज रेफरिंग टू द अपर सेक्शन ऑफ एग हेड इनसाइड द एग, इट्स मेड अप ऑफ वेगापंक्स ब्रेन, जिस पर मैं एक ही चीज कहूंगा, जब चैप्टर आएगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और अंदर की चीजें और भी ज्यादा खुल के सामने आएंगे। बिकॉज यार 11-12 पेज का भी अगर चैप्टर निकल के आता है तो ये दो चार चीजों में ही तो नहीं निपट जाएगा ना, और भी चीजें खुल के सामने आएंगी तभी ना मजा आएगा। खैर, इसके बाद हमें ये बताया जाता है नेक्स्ट स्पॉइलर में कि जो वो एंशेंट रोबोट नहीं था, जो हमें लास्ट वाले पैनल पे दिखाया गया था 1065 के, उसको लेकर के हमें ये बताया जाता है कि 200 साल पहले इसने वर्ल्ड गवर्नमेंट पे अटैक किया था, जिसके बाद शायद इसका ये हाल है, पर रीजन क्या था मुझे जानना है। पर एक बात तो समझ में आ गया कि भाई ये जितने भी एंशेंट किंगडम वाले थे और 20 किंग्स जो आज की वर्ल्ड गवर्नमेंट थी, भाई बहुत कट्टर दुश्मन थे यार। नेक्स्ट, CP0 अराइव्स ऑन एगहेड, सैड दे आर हेयर टू रिटर्न सेराफिम कुमा बट वाज डिनाइड एक्सेस। हाँ भाई, डॉक्टर वेगा पंक है, बेवकूफ तो नहीं है, उसे पता है तुम उसे मारने आने वाले हो तो वो थोड़ी एक्सेस देगा। और देखो ये लोग बहाना मार के आए हैं कि ये कुमा को रिटर्न करने आया है, ठीक है भाई, वो गधा है जो तुम्हारी बात पे आ जाएगा, हद लेवल बकचोदी है यार। पर देखो लूफी है, कोई टेंशन की बात नहीं, काट के फेंक देगा यार रॉब लूची को, कोई बड़ी बात नहीं है, जोरो भी है साथ में, तो और मजा आएगा। वैसे देखो अगर ये लोग मारना चाहेंगे तो ये देखना उस बुढ़े को ही मारेंगे, डॉक्टर वेगापंक जो मेन वाला है, लेकिन उसके साथ तो फिलहाल के टाइम पे लूफी है, कैसे टच कर लेगा। खैर देखते हैं अंदर का बातें हैं। इसके बाद हमें ये बताया जाता है लास्ट में, लास्ट स्पॉइलर जो है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर द रियल कुमा एट कामाबाका गेट्स अप एंड स्टार्टिंग टू रन टू समवेयर। भाई क्या कहूँ इस पर, ये वाला भी थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को, बिकॉज कुमा ठीक है कामाबाका किंगडम में है, उस आइलैंड में, वो अचानक से खड़ा होता है और भागना चालू कर देता है, ये वाला चीज मेरे पल्ले नहीं पड़ा, ये चीजें किस लिए हो रही है मुझे भी समझ नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि लूफी अभी CP0 को बहुत गंदी तरह से कूटे, उसके बाद किसी तरह से डॉक्टर वेगापंक जो है जाकर के कुमा को ठीक कर दे, कुछ ना कुछ करे यार, मेरे को कुमा को इस हालत में देख के बहुत तरस आता, बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत खराब लग रहा है। वैसे देखो ये वन पीस है तो ठीक हो ही जाएगा, मेरे को भरोसा है। और हाँ, ब्रेक है नेक्स्ट वीक, फिलहाल ले तो स्पॉइलर में यही सब था, ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता यार दिया है ओडा ने इस वाले चैप्टर में। हाँ, डेविल फ्रूट रिवील हुआ एक जन का, डॉक्टर वेगा पंक का, और इससे एक बात क्या कंफर्म होके निकल के आता पता है, फ्यूचर में अगर तुमको लीवर वाला भी डेविल फ्रूट जानने को मिल जाए तो हैरान मत होना, दिमाग तो आ ही चुका है, लीवर फेफड़ा गुर्दा आँख कान क्या क्या बनाएगा ओडा देखते हैं, पर फिलहाल के लिए तो इतना ही है। और एक चीज मैं कहूंगा, इससे एक और चीज सामने निकल के आता है, हो सकता है वर्ल्ड सेंचुरी के टाइम पे एंशेंट किंगडम जो इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस था वो भी शायद ये ब्रेन ब्रेन फ्रूट का ही कमाल हो, वैसे मुझे देखना है। और
ब्रेन ब्रेन फ्रूट का पावर है तो यार डॉक्टर वेगा पंक को ऑब्वियसली यार उसको डेविल फ्रूट से लेकर सब चीज का जानकारी होगा। फिलहाल देखो यही था स्पॉइलर। अब तुम सबका क्या मानना है, कैसा हो सकता है चैप्टर, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। वीडियो पसंद आया लाइक मारो, चैनल पर नया आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ऑन कर देना, और हाँ इंस्टा पे फॉलो करो। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।